हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, सुरक्षित स्थानों की ओर निकले पर्यटक, 57 गाड़ियां हुई रवाना। थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को 1-1 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। 60 घंटों में 60,000 पर्यटकों की हिमाचल से घर वापसी। सांगला से सुरक्षित चोलिंग पहुंचा 118 सैलानी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा आपदा में बीजेपी नेता कर रहे राजनीति। कल हिमाचल आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बाढ़ प्रभावित कुल्लू मंडी का करेंगे दौरा। हिमाचल के कई भागों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। कुल 255 पर्यटकों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। आज 165 सैलानियों को चंद्रताल से निकाला गया है। कुल 57 वाहन चंद्रताल से रवाना किए गए हैं। एसपी लाहौल स्पीति भी चंद्रताल से काजा के लिए रवाना हो गए हैं। सरकार ने गुरुवार को चंद्रताल झील बचाव शिविर स्थल पर बर्फ हटाने के लिए मशीन भेजी गई थी, जिसकी मदद से वहां फंसे हुए पर्यटकों को निकालने में मदद मिली है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी व मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को बाढ़ से थुनाग बाजार में हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर थुनाग में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को थुनाग के साथ बहते नाले से तटीयकरण कर भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा से बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से नए मकान के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम ने स्थानीय प्रशासन को बाजार से मलबा इत्यादि शीघ्र हटाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रभावितों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार इस विपदा की घड़ी में थुनाग के लोगों एवं प्रभावितों के साथ है और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से बाढ़ एवं भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। सबसे अधिक प्रभावित कुल्लू जिला तथा लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों एवं अन्य लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पिछले 60 घंटे से निरंतर बचाव अभियान चलाया गया। सीएम ने कहा कि वह गत 3 दिनों से कुल्लू, लाहौल स्पीति तथा मंडी के प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू एवं लाहौल स्पीति जिला के विभिन्न स्थानों पर लगभग 70,000 पर्यटक एवं अन्य लोग फंसे हुए थे। इनमें से 60,000 लोगों की सुरक्षित वापसी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बचाव अभियान में 1,000 कर्मचारी एवं अधिकारियों ने 2400 घंटे युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए इसे संभव बनाया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा में सरकार को सहयोग करने के बजाय भाजपा नेता राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सब देख रही है, सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान माल की रक्षा करना है। पर्यटकों को सुरक्षित घर रवाना करने के बाद अब प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी तथा मोबाइल नेटवर्क की जल्द से जल्द बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ और वर्षा से जल शक्ति विभाग की 5,000 से अधिक पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग की अधिकतर योजनाएं नदी किनारे हैं। बाढ़ आने से पंप हाउस, मशीनरी, लाइनें, सोर्स ध्वस्त हो गए हैं। पंप हाउस में गाद भरने से संचालन बंद हो गया है। ऐसी विकट स्थिति में पानी की सप्लाई बहाल करना एक कठिन चुनौती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान का जायजा लेने आ रहे हैं। वह 14 जुलाई 2023 को दिल्ली से चलेंगे और मंडी के कांगनी धार हेलीपैड में हेलीकॉप्टर द्वारा आएंगे। नड्डा मंडी जिला के पंचवक्त्र मंदिर जाएंगे और साथ ही वह मंडी के अनेकों स्थानों का दौरा करेंगे जहाँ बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। कुछ समय सर्किट हाउस मंडी में रुकने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कुल्लू रवाना हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर मार्ग से नड्डा भुंतर एयरपोर्ट जाएंगे। कुल्लू में नड्डा बड़े भूही पंचायत सहित अनेकों स्थान का दौरा करेंगे। यहां भी व्यास नदी के कारण हुई क्षति का अवलोकन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। इस दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी जेपी नड्डा के साथ रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश से पैदा हुई दुश्वारियां अभी कम नहीं हुई हैं। वहीं प्रदेश में 5 दिन के लिए फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 13 से 17 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 19 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। गुरुवार सुबह राजधानी शिमला व अन्य भागों में बारिश हुई, इसके बाद धूप खिलने के बाद हल्के बादल छाए हुए हैं। आज भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। गुरुवार को लाहौल के जोबरंग गांव के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ है, इससे सड़क यातायात के लिए बंद हो गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।